हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICSE मैथ। हमने शुरू कर रखा भी चैप्टर 6 परसेंटेज वाला, जिसके अभी तक क्वेश्चन नंबर 15 तक किए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या करना भाई। यहाँ पर इन एन एग्जामिनेशन 30% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। क्या बोला है यहाँ पर कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 30% बच्चे हैं जो फेल हुए इंग्लिश में, 35 हुए हैं जीके में, और दोनों सब्जेक्ट में 27% फेल हुए हैं। अगर 310 कैंडिडेट पास हुए हैं तो हमने बताना है कि एग्जाम के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो हमें नहीं पता, तो सबसे पहले मान लेते हैं एक्स, मान लो लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या मान लेते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एक्स मान लिए। उसके बाद अब हम निकालते हैं यहां पे फेल्ड कितने हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे निकालेंगे भाई, अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, जितना हमें दिया है, कितना दिया, 30% दिया ना, 30% ऑफ एक्स, तो कितना आएगा भाई, 30x ही आएगा ये, 30x, ठीक है। या फिर आप क्या करो, परसेंटेज में रख लो इसको, 100 अभी हटा दिया मैंने, ठीक है, परसेंटेज में ही रखा है इसको, ठीक है, अभी सोल्व करने के लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन किसके अंदर भाई, फेल्ड कर देते हैं अब यहां पर जीके के अंदर। जीके के अंदर कितने फेल्ड है भाई, देख लो, फेल्ड है इसमें 35%, यानी कि 35% ऑफ एक्स निकालेंगे यहां पे, तो अपना आ जाएगा भाई यहां पे 35x%, ठीक है। अब बोथ में कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ में अभी 27% ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ हो जाएगा 27x%, ठीक है भाई। तो बोथ में फेल है जो बच्चे, वो हैं 27% ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि 310 कैंडिडेट पास हैं भाई। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल फेल्ड स्टूडेंट कितने हैं भाई, टोटल फेल्ड स्टूडेंट निकाल लेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल फेल्ड स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे भाई, दोनों सब्जेक्ट में है ना जो अलग अलग, 30x प्लस में कितना भाई, 35x, और उनमें से माइनस कर देंगे 27 को, ठीक है भाई। तो ये करेंगे तो 30 और 35 कितने हो जाएंगे, 65 में 27 माइनस करेंगे तो 38x आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 38x। अब उसके बाद सुनिए ध्यान से क्या करना है, अब निकालना हमने टोटल पास्ट स्टूडेंट, पास कितने हुए बच्चे टोटल। तो क्या करेंगे यहां पर, टोटल पास्ट स्टूडेंट, अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने माने थे, हमने एक्स माने थे भाई, माइनस में कितना करना है, 38% ऑफ एक्स, परसेंट अब हटा लो इसकी भाई, 100 लग गया नीचे, कितना लग गया 100। अब एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास भाई, 100 है नीचे तो 100 रहेगा, 100 को x से करेंगे 100x आ जाएगा आपका, माइनस में 38 को 1 से करते हैं 38x, माइनस कर लो भाई 100 में 38 गया तो 62x बचेगा आपका बाय में 100। अब क्या करेंगे, पास्ट स्टूडेंट को पास्ट स्टूडेंट के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो देखिए वहां पे क्या लिखा मैंने, लिखा है 62x बाय में 100 इज इक्वल टू कितना भाई, इसके 310 के, तो डिवाइड में उसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई ये, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 310 इंटू में 100, और डिवाइड में आ गया भाई ये 62, मल्टीप्लाई में था ना, तो ये आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको काट लेते हैं भाई 2 के टेबल पर, तो आ जाएगा 2 3 जा 6 2 1 जा 2, और 2 से कट गया 50 आ गया, 31 से 31 कट गया, 50 के पीछे एक जीरो लगी है भाई, तो 500, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे भाई स्कूल के अंदर जब एग्जामिनेशन दिया जिन बच्चों ने, तो वो थे 500 स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है भाई निकालने का इसको, सबसे पहले जो हमें नहीं दिया उसको मान लो, उसके बाद कितने परसेंटेज उनको दिया वो लिख लो यहाँ पर। यहाँ पे स्टार्टिंग में परसेंटेज 100 के साथ भी लिख लेता मैं, तो माइनस करते ना फिर यहाँ पर, ये माइनस कर रखे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम आती, एलसीएम लेना पड़ता आपको 100 का, तो इसलिए मैंने सिंपल परसेंटेज में रखा इन सभी को, ठीक है। तो बाद में कितना आया भाई, 38x% आ गया था यहाँ पे। अब ये सारे फेल्ड स्टूडेंट थे, अब हमने पास स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट में से टोटल क्या माने थे, एक्स माने थे ना, एक्स में से फेल्ड को माइनस कर दो भाई, तो पास वाले बच जाएंगे, पास वाले बच्चे अपने पास 62%, ठीक है, तो फिर उसको इक्वल रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया, 17 वाला, द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिकेट एनुअली बाय 10%, जो वैल्यू है कार की वो डेप्रिकेट हो रही है
हर साल 10%। तो इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार बी 6,50,000, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले भी आपको एक बार फॉर्मूला बताया था यहाँ पर भाई, एक और बार देख लीजिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। फॉर्मूला होता है आपके पास जो प्रिंसिपल है स्टार्टिंग में, जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, इनटू में वन। अगर डेप्रिकेट हो रहा तो माइनस करते हैं, ठीक है, कितने परसेंट से हो रहा है, रेट ऊपर जो भी है, डिवाइड में 100, और ऊपर पावर एन। एन अब तो अपने पास नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों के लिए। तो पी कितना भी आपका, देखिए यहाँ पे 6,50,000, ठीक है, ये आपका है 1 माइनस में, कितने रेट से डिप्रिकेट हो रही है, 10% से, तो 10 बाय में 100 आ जाएगा नीचे भाई। ऊपर टाइम कितने के लिए, 2 साल के लिए। तो देखिए अब 6,50,000 और 1 में से माइनस करेंगे 100 लेके, 100 बन जाए 100 और माइनस में 10 करेंगे तो 90 बचेगा ऊपर भाई, 90 बाय में 100 और उसकी पावर है 2, 10 से 10 कट गई भाई, ठीक है। तो 6,50,000 इंटू में 9/10 और इंटू में 9/10। अब देखिए 2 जीरो है यहाँ पे, दोनों जीरो से ये 2 जीरो घट गई हुई, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, देखिए 9×9=81 हो जाएगा, तो आपको 6,500 से मल्टीप्लाई करना है 81 को। तो साइड में कर लेते हैं भाई यहाँ पर 65 को 81 से, 5 और 6 तो एज इट इज, 8×5=40, 4 कैरी गए, 8×6=48 और 4×52 तो 5,625, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना भाई, 5,265 और पीछे लग जाएंगी 2 जीरो, कितना रहेगा भाई ये, पहले था 6,50,000, अब कितनी रहेगी वैल्यू, 5,26,500 इसकी जो कॉस्ट होगी वो रुपीज वो रह जाएंगे भाई, क्योंकि डेप्रिकेट हो रहा है, डेप्रिकेट होके ये कम हो जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाएगा भाई। मेन चीज बस में फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, बाद में तो वैल्यू पुट करनी है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन 17 किया था वैसा ही है। इसमें भी फॉर्मूला लगाना आपने, कौन से वाला, वही वाला लगाएंगे जैसे पहले लगाया था, पी इंटू वन, वहां पे डिक्रीज हुई थी, डेप्रिकेट हुई थी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो प्लस आ जाएगा भाई, और ऊपर होगा रेट बाय में 100 की पावर एन यानी कि टाइम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पी हमारा क्या होगा, यहाँ पर गिवन पॉपुलेशन 80,000, तो हम निकलेंगे यहाँ पे 80,000, ठीक है, इंटू में 1 प्लस में रेट कितना इंक्रीज है भाई, 7%, तो 7/100 कर देंगे, उसकी पावर कितने टाइम के लिए बोला भाई, 2 ईयर के लिए, तो पावर 2 कर देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 80,000 को एज इट इज लिखेंगे, तो उसके बाद भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका 1 लगाकर, तो एलसीएम दोनों का 100 हो जाएगा भाई, 100 को 1 से करेंगे 100 और प्लस में 1 को 7 से करेंगे 7, उसकी पावर 2 है भाई। अब देखिए 80,000 तो एज इट इज रहेगा अपने पास, 107 कितनी बार हो गया, 2 बार, तो 107 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 107 बाय में 100, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 2 है भाई। उसके बाद इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई भी, ठीक है, 107 और 107 को मल्टीप्लाई कर लेते पहले भाई, यहाँ पर देखते कितना आएगा, 7 से करेंगे तो 49 और 7, 0 से करेंगे तो 0 0 0 और 1 से करेंगे तो 107, तो कितना हो गया भाई ये, हो जाएगा 9 4 7 7 14, तो 11 और 44 और 9 ही आ गया। उसके बाद इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना भाई, 8×11 44 9 को करना है 8 से। अब इसको 8 से भी कर लो भाई मल्टीप्लाई, यहीं पे 8×9=72 का 2, 7 कैरी गया भाई, 8×4=32 और 7×39, 3 कैरी गया भाई, 8×4=32 और 3×35, 3 कैरी गया, 8×1=8 और 3×11 और 1, 8×1=8 और कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा भाई। तो कितना है आपके पास यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई करके आ गया 91592, ये हमारे पास आ गया भाई यहाँ पर पॉपुलेशन, कि पहले उसकी पॉपुलेशन अगर 80,000 थी तो 7% इंक्रीज होगी, तो आने वाले 2 साल के अंदर पॉपुलेशन 80,000 से कितनी हो जाएगी, 91,592 हो जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 19 वाला, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई बाय 5/3, एक नंबर मान लेते हैं जिसको कोई स्टूडेंट उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन उसको 5/3 करना था मल्टीप्लाई, लेकिन उसने क्या कर दिया भाई, 3/5 कर दिया, तो बताना है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं भाई कैलकुलेशन में, ध्यान से देखना आपने, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ यहाँ पर हम वो मान लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, लेट द नंबर बी, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना था उस नंबर से। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, जो सही नंबर था
किससे मल्टीप्लाई करना था उसको, उसने क्या कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इंस्टेड ऑफ 5/3, 5/3 की बजाय 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले इस x को मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 से और माइनस कर दें किससे भाई, जिससे गलत से हुआ ये मल्टीप्लाई। अब दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा पहले आपको, यहां पर देखिए एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है भाई, 15 होता है। 5 को 5 से करेंगे 25x माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9x, ठीक है भाई। कितना बचा है माइनस करेंगे तो बच जाएगा 16x बाय में 15। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो आपका एरर आया इसको माइनस करके आया वो लिखिए पहले, तो 16x बाय में 15 डिवाइड में क्या करना आपने, जो सही वाला मल्टीप्लाई करना था यानी कि 5/3x, क्या लिखोगे नीचे 5/3x, मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए 100, ठीक है भाई ये करेंगे। तो सबसे पहले x से तो x कट गया भाई, ठीक है, और इसको घुमा देंगे पहले, देखिए कैसे लिखेंगे, 16 बाय में 15 मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चला गया भाई और नीचे आ गया 5, मल्टीप्लाई में 100 है, ठीक है ये रहेगा। अब देखिए 3 से काट देंगे, 3 5 15, 5 से काट देंगे, 5 2 10, 2 से काट 5 से काट देंगे, 5 4 20, 16 और 4 बचा भाई, कितना बचा 16 और 4 मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जो हो जाएगा 64%। तो जो परसेंटेज एरर होगा ना कैलकुलेशन के अंदर वो कितना होगा भाई, 64% होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 को कर सकते हो भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी आपको क्या दिया यहाँ पर, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ भाई, जिसमें से 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% लोगों ने वोट नहीं दी है, 10% लोगों की वोट क्या हो गया भाई, इनवैलिड है, और सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने परसेंट से जीता भाई, 54% से वैलिड वोट से जो चुनाव है वो जीत लिया इलेक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताना है कि जो वोन है उसने कितनी मेजोरिटी से, 1620 वोट से जीता है, तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी भी, ठीक है, यानी कि टोटल कितने लोगों ने वोट किया, तो मैं नहीं पता है, तो सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे भी, लेट अस कंसीडर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मान लेंगे हम यहाँ पर कितना भाई, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब जिसमें से 10% क्या है, वो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दी, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ के, द वोटर डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं की, कैसे निकालेंगे देखिए, 10% ऑफ x, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई तो x बाय में 10 आ गया भाई, ठीक है। अब यहां से निकाल लेंगे हम कितने बंदों ने वोट किया है, तो टोटल वोट कितनी थी, यहां पे लिखेंगे वोट पोल्ड, यानी कितनी वोट पोल की गई, कितनी वोट दी गई, टोटल वोट कितनी थी x, माइनस में कितनी वोट नहीं दी गई, x बाय 10, तो माइनस कर लेंगे तो टोटल वो वोट आ जाएंगी जो दी गई है, ठीक है भाई, एलसीएम आ जाएगा दोनों का 10 10x माइनस में x, कितना बचा भाई 9x बाय में 10 बच गया अपने पास यहां पर, ठीक है। अब इतनी वोट दी गई है भाई, ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल वोट में से कितनी वोट इनवैलिड है, 10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड इनवैलिड, कि यहां पे बोल रहा है 10% जो वोट्स हैं वो क्या है भाई, इनवैलिड है। अब इसका 10% निकाल लेंगे, इनवैलिड वोट्स कैसे निकालेंगे भाई, देखिए 9x बाय में 10 एज इट इज, इसी का 10% 10 बाय में 100 करते हैं, अगर 10 से 10 कट गया तो भी कितना बचा भाई, यहां पे बच जाएगा अपने पास 9x बाय में 100, ठीक है। अब ये इनवैलिड वोट है तो टोटल वोट में से इनवैलिड वोट माइनस कर देते हैं, देखिए रिमेंड वोट कितनी बचेंगी यहां पे, रिमेंड वोट्स कितनी बचेंगी, देखिए यहां पे क्या करते हैं 9x बाय 10 में से 9x बाय 10 में से माइनस कर देते हैं, कितना भाई 9x बाय 100, ठीक है। एलसीएम दोनों कितना आ गया भाई, 100 आ गया यहां पे, उसके बाद अब यहां पे देखिए 100 को मल्टीप्लाई करते हैं रफली, तो यहां बचेगा 90x माइनस में यहां बच जाएगा 9x, तो अपने पास बच के कितना आया भाई 81 बाय में 100x, ठीक है भाई ये यहां पे अपना आ गया। अब देखिए अब हमारे पास टोटल वोट इतनी बची हुई है, अब ठीक है इसमें से कितने परसेंट, 54% जो वोट थी वैलिड उसने क्या कर लिया है, कैंडिडेट ने जीत लिया, तो इसका 54% निकालते हैं भाई, कैसे निकालेंगे 81x बाय में 100 मल्टीप्लाई में 54 बाय में 100, तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा अपने पास
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 4 0 हो गए भी टोटल। 54 को 1 से करते हैं, 54 4 5 कैरी चला गया भाई। ठीक है यहीं पे कर देता हूँ, चलो मैं 54 से, तो 54 8 4 32 का 2 3 कैरी गया भाई, 8 5 40 और 3 43 4 7 3 4, तो कितना आ रहा भाई यहाँ पे 4 3 7 4 4 3 7 4 x। ठीक है भाई, तो जो हमारी ये वोट आई है भाई 4 3 7 4 x बाय 10,000, ये वोट हमारी वो वोट आई है जिससे कि जो कैंडिडेट है सक्सेसफुली वोन हुआ है। ठीक है, बट अब हमने वो वोट्स निकाल ली है बची हुई, जिनको जो वोट्स किसको मिली थी, सेकंड कैंडिडेट को मिली थी। दो कैंडिडेट थे ना, फर्स्ट कैंडिडेट को ये वोट मिली है जो जीतता है, तो सेकंड कैंडिडेट है उसको कितनी वोट मिली है कि वो हार गया, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वोट कितनी थी भाई 81 x बाय में 100 माइनस कर देंगे भाई जो उसने जीती है वोट, 4 3 7 4 x बाय में 10,000। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे यहां पे भाई, 10,000 आ गया एलसीएम, 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गए तो आ जाएगा 8,100 x माइनस में, ये सेम टू सेम रहेगा भाई 4 3 7 4 x, तो माइनस कर लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ये बच जाएगा यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 आ गया भाई। ठीक है 9 में से 7 गया 2 बच गया भाई, यहाँ बचे थे 0, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच गए थे भाई कितने 7, 7 में से 4 गया 3। तो इतनी वोट्स हैं भाई, अब ध्यान से सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, ये वो वोट्स हैं जो हारे हुए बंदे को मिली हैं। ठीक है, और ये वो वोट्स हैं जो जीते हुए बंदे को मिली हैं। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा कि कितनी वोट्स थी जो मेजोरिटी में थी, और मेजोरिटी में वोट्स हमें दी हुई है अभी कितनी है 1,620। तो इससे दोनों का पता चल जाएगा, ये वोट्स हैं जो बंदा जीता है और ये वोट्स है वो बंदा जो हारा है। दोनों के बीच में माइनस करूंगा तो पता चल जाएगा कितनी वोट का फैसला था, कितनी वोट का फासला था, या कितनी वोट का डिफरेंस था जिससे वो जीता है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 4 3 7 4 x बाय में 10,000 सॉरी माइनस में, ये कितना भाई 3,726 x बाय में 100,000 = कितना डिफरेंस अभी दोनों में, ये दिया है 1,620 का, तो इक्वल में आ जाएगा ये 1,620। ठीक है भाई, अब देखिए दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 10,000 ही आएगा। ठीक है, ऊपर भी दोनों डिनोमिनेटर से, मैं तो न्यूमरेटर सीधा माइनस कर देंगे, 4 में से 6 गया भाई जा नहीं सकता, तो 14 में से 6 गया कितने रह गए 8 आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 6, 6 में से 2 गया भाई 4 बच गया। उसके बाद देखिए 3 है, 3 में 7 तो जा नहीं सकता, तो 13 में 7 गया 6। ठीक है भाई, तो ये बच जाएगा अपने पास 648 x = कितना भाई 1,620। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में उसे जाके मल्टीप्लाई भाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास यहां पर देखिए, अब ये हो जाएगी 1,620 मल्टीप्लाई में 10,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा भाई 648। ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपने पास यहां पर। अब देखिए इसको करते हैं भाई यहां पर 4 के टेबल पे। ठीक है, तो 4 के टेबल पे करते हैं, 4 1 4 बच गए 2 भाई, 4 6 24। ठीक है, फिर कितने हो गए भाई यहाँ पर, ये हो गया 8 4 2 8। ठीक है, और ये यहाँ से काट देंगे अब यहाँ पर इसको, ये आ जाएगा अपने पास भाई यहाँ पर 4 2 8 बच गए, तो 4 5 20 25 हो गया, और 162 से 162 10 ये बची है भाई, तो टोटल आंसर कितना आ गया अपना एक्स की वैल्यू 2500 तो ऊपर लिखा था और 10 ये बची थी, तो 25,000 भाई कितना आएगा यहाँ पर आंसर अपना आ जाएगा 25,000 टोटल वोट्स थी जो हमने स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू मानी थी ना, ये तो आ जाएगा 25,000। ठीक है भाई, तो टोटल वोट यहाँ पर 25,000 थी, यानी कि टोटल वोटर्स थे जो वो 25,000 वोटर्स थे भाई। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, करना कैसे एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा लेंथी टाइप है क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, यहाँ पर 54% दिया हमें वोन, तो ये 54% निकाल लेना आपने इसका, देखो 54% निकाल दिया। अब ये जीते हुए की वोट्स हैं तो हारे हुए की निकालनी होंगी आपको, तो आपने माइनस करके दोनों को, ये हारे हुए की वोट आ जाएंगी ये वाली भाई। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है मेजोरिटी में, कितना दिया है 1,620, तो दोनों को माइनस करके ये माइनस कर दिया, इक्वल रख देना, ये सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका भाई। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी जितना हो सके अपनी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।